अरे अरे गाइस, कहाँ गया? ये है, ये तू नहीं है? कहाँ गया? अच्छा ये रहा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरीश प्रोजेक्ट्स, और मेरा नाम है हरीश चौधरी, आपको तो पता होगा। सो आज हम बनाएंगे ये एक लेजर लाइट सिक्योरिटी अलार्म। यहाँ पर मैंने ये एक लेजर लाइट लगाया हुआ है, इसको ऑन करने पर ये पूरे घर को कवर कर लेता है चारों तरफ से, और इसके कोने कोने में मैंने ये एक छोटा छोटा मिरर्स लगाया हुआ है जुगाड़ करके। तो जैसे ही इस लेजर लाइट को कोई अगर टच करता है तो यहाँ पर ये एक बजर लगा हुआ है, ये बजर बजने लग जाता है, जिससे कि जो घर में होंगे उनको पता चल जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एक भी जगह नहीं रहेगा किसी चोर को अंदर जाने का, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर सो ये मैंने इसको लगाया हुआ है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो कि लाइट को सेंस करता है। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक इंस्पायर अवार्ड के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है क्लास 10th से क्लास 12th तक के बच्चों के लिए, और ये इंस्पायर अवार्ड के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटिशन में आप इसको बना करके लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको बनाना भी एकदम आसान है, कोई भी इसको बना सकता है अपने घर में। बस उनको कुछ छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स चाहिए जो कि आपको आपके लोकल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप में मिल जाएगा। हाँ, बैटरी, इसका जो बैटरी है इसको मैंने ये छोटा वाला बैटरी लगाया हुआ है, जो ड्रोन मोटर जो ड्रोन में लगा होता है वो वाला बैटरी मैंने इसमें लगाया हुआ है, और ये एक 3.7 वोल्ट का बैटरी है, ये आपको बाज़ार में मिल सकता है। आप चाहें तो कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी 18650, या फिर आप 9 वोल्ट बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं जो 20 रुपये का मिलता है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ये तो लाइक का साइन है, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल्स चाहिए होगा उसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक LDR, और LDR का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और यह है एक 100K ओम रजिस्टर, BC547 ट्रांजिस्टर, एक रेड LED लाइट, एक बजर। इन सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा ब्रेडबोर्ड। इस प्रोजेक्ट को पावर देने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा 3.7 वोल्ट बैटरी। हमें चाहिए एक लेजर लाइट। मैंने ये एक छोटा सा घर बनाया था पहले से ही अपने एक प्रोजेक्ट में, सो इसी हाउस को मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करूँगा। मेरे पास ये एक पुराने प्रोजेक्ट का ये छोटा सा कार्डबोर्ड है, और इसको भी यहाँ पर मैं रीयूज़ करूँगा। एक चाहिए हमें छोटा सा मिरर। सो ये जो मिरर है ये पहले से टूट चुका है, मतलब कि इसको हम फिर से रीयूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई कांच है, मिरर है टूटा हुआ, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको नया लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों फालतू टाइम वेस्ट करते हो, पैसा बर्बाद करते हो? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन सभी कंपोनेंट्स को इस ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन करते हैं। सो उसके लिए आप इस वीडियो को भी अच्छे से यहाँ पर से देखना, और जैसे जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। तो लगभग हमारा जो सर्किट है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इस प्लस माइनस में बैटरी कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, और इसको ऑन ऑफ करने के लिए हम चाहे तो स्विच का भी यूज कर सकते हैं। ये जो सेंसर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें कुछ लगाना पड़ेगा ताकि बाहर का रोशनी ना आए।
कार्डबोर्ड और ये घर बिल्कुल पानी जैसा निकल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ग्लू। यहाँ पर तो हमारा घर और ज़मीन दोनों रेडी हो चुका है, सो अब हमें यहाँ पर इन सर्किट्स को यहाँ पर अटैच करना होगा, लेकिन उसके लिए अभी हमें एक काम और करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि ये है मेरे पास ये कांच, इसको हमें चार पीस तोड़ना पड़ेगा, कोई भी शेप लेकिन इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए चारों शेप, ठीक है। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े ले लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि वैसे ये बराबर तो नहीं है लेकिन हमारा काम चल जाएगा। इस लेज़र लाइट का पोजीशन जो है वो ठीक से यहाँ पर रखना पड़ेगा, और उसके बाद इसके लाइट के हिसाब से हमें इन सभी मिरर्स को यहाँ कोने कोने में लगाना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर हमें ओनली 3 मिरर्स का ज़रूरत पड़ेगा और मैंने गलती से यहाँ पर 4 रख दिया, तो इसमें से एक को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये 3 ही है, ठीक है। सो अब हमें इन तीनों मिरर्स को कुछ इस तरह से सेट करना पड़ेगा जिससे कि इसका जो लेज़र लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से यहाँ पर आए। मैंने इन सभी कांच को कुछ इस तरह से स्टिक किया हुआ है, और जैसे ही मैं इस लेज़र लाइट को ऑन करता हूं तो जो रिफ्लेक्ट होकर ये यहां पर वापस आता है, और ये जो LDR है इसमें यह पड़ता है, देखना आप। सो आप यहां पर देख सकते हैं LDR में लेज़र लाइट आ रहा है। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर 100% बनकर कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने लेज़र लाइट को ऑन कर लिया है और बैटरी को भी यहाँ पर मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है। सो जैसे ही अब यहाँ पर कोई भी आता है तो ये बजर बजेगा, देखना, मतलब इस घर से कोई भी साइड से अगर कोई आने का कोशिश करता है तो ये बजर जो है ये बजता है। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही साइंस प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।